हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एट होम कुकिंग में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं गुआवा की रेसिपी लेके आई हूँ, गुआवा की बर्फ़ी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दो गुआवा मैं ली हूँ धुल के, अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसको ऐसे हमें क्यूब्स में कट कर लेना है, क्योंकि इससे हमें फाइन पेस्ट बनाना है। तो फ्रेंड्स, इधर मैं सारे गुआवा को कट कर ली हूँ, दोनों गुआवा को। अब मैं ग्राइंड करूँगी इसको, फाइन पेस्ट बनाऊँगी। तो इधर सारा फाइन पेस्ट बन के रेडी हो गया है, सारे गुआवा को मैं पेस्ट बना दी हूँ। पेस्ट बनाते टाइम थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, वरना ये फाइन पेस्ट नहीं बन पाएगा। तो चलिए अब इसको छान लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी बीज है, थोड़ा दरदरापन है, इसके लिए हमें छानना पड़ेगा मोटी चलने की मदद से। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे करके हमें छानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इधर सब मैं छान ली हूँ सारे पल्प को, और ये बीज सब अलग हो गया है। ऐसे ही हमें छान लेना है, इसे दबा दबा के, ताकि बीज अलग हो जाए, क्योंकि बर्फ़ी में बीज जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसे छानना बहुत ज़रूरी है। देखिए सारे पल्प अलग हो गए हैं ना, ऐसे ही करना है। तो इधर पूरा पल्प इतना हुआ है निकालने के बाद, और जितना ये पल्प हुआ है फ्रेंड्स, उतना ही हमें चीनी भी लेना है मेजरमेंट के हिसाब से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई मैं चढ़ा दी हूँ, और इसमें सारे पल्प को मैं डाल दूँ। लगातार चलाते हुए हमें इसे बनाना है, और जितना मेरा पल्प था उतना ही हम चीनी भी डाल देंगे मेजरमेंट के हिसाब से। और इसको चलाते हुए कम से कम 30 मिनट तक हमें लगातार चलाते हुए इसको बनाना है, क्योंकि बहुत जल्दी तली में पकड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा कि इसको लगातार चलाते रहें। इसका बर्फी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा। देख सकते हैं फ्रेंड, 10 मिनट से लगातार चला रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी। देखिए ग्रीन, आप कोई सा भी कलर डाल सकते हैं, मैं ग्रीन डाल रही हूँ। लगातार चलाते हुए हमें 30 मिनट तक चलाते रहना है, वरना नीचे तली में पकड़ लेगा, बहुत तेज़ी से ये पकड़ता है। आप थोड़े से नींबू भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चटपटा बनाना हो तो। मैं नींबू नहीं ऐड कर रही हूँ, मुझे मीठा रखना है। ये 25 मिनट हो गया फ्रेंड्स, देखिए चलाते हुए मैंने 25 मिनट तक भुना है इसको। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा चम्मच घी डाल दूँगी। इससे थोड़ी शाइनिंग बढ़ जाती है बर्फ़ी की, और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आ जाता है घी डालने से, इसलिए मैं थोड़ा सा घी भी डाल दे रही हूँ। और आप लोग चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं इलायची पाउडर नहीं डालूँगी, इसके जगह पे केवड़ा वाटर डालूँगी। देखिए आप थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, मैं काजू और बादाम डाल दे रही हूँ। थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी जो मुंह में आता है ना क्रंची, वो भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसको डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये लगातार 30 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे मैं चलाते हुए इसको भूनी हूँ। ये तले छोड़ने लगा है, अब ये रेडी हो गया है। लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल दूँगी।
ये ग्रीस किया हुआ ट्रे है, इसमें सारे मिक्सचर को मैं पलट दूंगी। तो सारे मिक्सचर को मैं इसमें ट्रे में पलट दी हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इसे 2 घंटे तक ढक के रख दूंगी और 2 घंटे के बाद फिर देखते हैं। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड, 2 घंटे के बाद हमारा बर्फी रेडी हो गया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं ऐसे ऐसे करके, सब निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सारे क्यूब्स को मैं निकाल के अलग कर दी हूँ, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जो खाने से परहेज करते हैं गुआवा को, वो भी ये बर्फी बना के आसानी से खा सकते हैं, और घर पे बहुत कम सामान के साथ इसको बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप भी गुआवा की बर्फी बनाइए और इंजॉय कीजिए। और ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।